अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सबाना नासरीन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैंने इनका जो हेयर लुक किया है इस बंगाली ब्राइड वाला, वो उसका वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। जैसा कि मैंने आपको अगले में बताया था, मेकअप वाले वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों के लिए हेयर का वीडियो भी लेके आऊँगी, तो जी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आप वीडियो को पूरा देखना, बहुत आसान सा है और बहुत इजी है। फुल दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, कुछ इस तरीके से है, बहुत इजी सा लुक है, आप लोगों को बहुत इजी लगेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं। पहले हमें उनके हेयर को अच्छे से कॉम कर लेना है और जितनी भी लटे हैं उसको सुलझा लेना है। उसके बाद हम सीधा पट मांग करेंगे, मतलब कि सीधा पट्टी को बोलते हैं, वो करेंगे और हाफ़ हेयर्स निकाल लेंगे फ्रंट के साइड का, और उसको क्रिम्प करेंगे हम। तो फ्रंट के साइड का दोनों तरफ से आधे आधे हेयर्स निकाल लेंगे, और जो बाकी हेयर्स पीछे बचेंगे उसको हम रबर बैंड या कोई भी क्लिप से सिक्योर कर लेंगे। तो या उसके बाद हम करेंगे क्रिम, तो पार्ट क्रिम करना है, तो हाफ हाफ हेयर्स लेना है और क्रिम करना है। सो आप देखिए इसी तरीके से आप क्रिम कीजिए। तो मैं क्रिम्पर यूज़ करी हूँ वेगा का, जो कि क्रिम्पर, कर्लर और स्ट्रेटनिंग तीनों होता है इससे। ये 3-in-1 है। इनके हेयर बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो बहुत मुश्किल हो रहा था करने में, बट ये बहुत अच्छे से कर दे रहा था क्योंकि इसके विशल्स थोड़ा ज़्यादा अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे से इनके हेयर को क्रिम कर दे रहा था। तो आप इससे मंगा सकते हो अगर आप खुद का मेकअप करते हो। सेल्फ मेकअप, खुद का मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप ज़रूर आप इस क्रिम्पर और कर्लर जो भी है 3-in-1 वेगा का, इसको ले, ये अच्छा है। तो मैं इसको आफ्टर 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ, अभी तक इससे कोई शिकायत नहीं आई। बस इतना है कि ये स्ट्रेटनिंग सही से नहीं करता, बट यह कर्ली करने के लिए और क्रिम्पिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आप इससे करिए, सारे हेयर्स को आप अच्छे से क्रिम कर ले, और उसके बाद थोड़ा सा हेयर्स फ्रंट साइड पे छोड़ दे ताकि आप उसको कर्ल कर सके। तो देखिए ये मैंने सारे हेयर्स को क्रिम कर लिया है और शाइड कर दे रही हूँ। अब आती है बारी बैक, जो पीछे के साइड है जहाँ पे हम बनाएंगे पफ, तो उसको हम करेंगे क्रिम। तो या मैं थोड़ा थोड़ा करके हेयर्स निकाल रही हूँ और क्रिम कर रही हूँ, तो आप लोगों को दिखा नहीं पा रही थी मैं, इसीलिए मैं अब आप लोगों को दिखाने के लिए कैमरा पीछे करती हूँ, फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसी तरीके से आपने थोड़े थोड़े से हेयर्स लेने हैं और क्रिम करना है, अच्छी तरीके से क्रिम करना है। उसके बाद थोड़े थोड़े हेयर्स लेके आपको करना है रफ़, यानी कि आपको बैक कॉमिंग करनी है, ताकि जब भी आप पफ करें, अगर आपका हेयर पतला है और पफ करने के लिए हमेशा आपको बैक कॉमिंग करनी पड़ती है, तो आप अच्छे से बैक कॉमिंग कर ले ताकि आपका पफ का तरह हो जाए, तो आपको किसी भी पफर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके हेयर्स मोटे हैं तो ऐसे पफ हो जाएगा, और आपके हेयर्स पतले भी हैं तो भी आप बैक कॉमिंग ज़रूर करें, तो बैक कॉमिंग कर ले। तो देखिए इस तरीके से कितना अच्छा सा वॉल्यूम आ गया है हेयर्स में, ताकि हम पफ कर सके उससे। तो आपने लेना है उतना जितने से आपने पफ करना है, यानी कि उतने ही हेयर्स लेने हैं जितने आपको पफ करने हैं, जितना आपका पफ को कवर कर देगा आएगा तो। और उसके बाद सेटिंग स्प्रे ले ले, देन अब जितने हेयर को आपने रफ़ किया है उनको, उनमें थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे भी आप स्प्रे कर ले, ताकि वो सेटिंग बिगड़े ना। और उसके बाद अच्छे से आप उसको राउंड फोल्ड करके उसमें क्लिप से सिक्योर कर दे। तो मैं नहीं दिखा पा रही थी आप लोग को, बट आप लोग को पता होगा कि पफ को राउंड करके सिक्योर करने से वो अच्छे से बैठ जाता है, तो मैं इसी तरीके से कर रही थी इनका। और फ्रंट साइड से भी मैं थोड़ा सा हेयर्स लूँगी, थोड़ा सा हेयर फ्रंट साइड से भी लूँगी और उसको लगाऊँगी वहाँ पे, ताकि जो भी रफ किया हुआ है वो दिखे ना और प्लेट अच्छे से बैठ जाए। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया है, और उसके बाद इसको अच्छे से सेट कर लेने के बाद हम करेंगे
जूड़ा बनाना है हमको, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। पहले आपको एक रबर बैंड से पोनी बना लेनी है, अच्छे से सिक्योर कर लेना है पोनी बना करके, और टाइट बनाना था, क्योंकि आप अगर ढीला बनाओगे ना तो वो जूड़ा खुल सकता है, इसीलिए आप पोनी को अच्छे से टाइट रबर बैंड से सिक्योर कर ले। उसके बाद कोई भी आप डोनट ले सकते हो, अगर आप छोटा पफ बनाना चाहते हो तो छोटा डोनट लो, और अगर आप बड़ा जूड़ा बनाना चाहते हो तो बड़ा पफ डोनट लो। तो मैं बड़ा जूड़ा बनाना चाहती थी इसीलिए बड़ा डोनट लिया। उसके बाद सारे हेयर्स से डोनट को कवर कर लिया और एक रबर बैंड से सिक्योर किया, और फिर उसमें जूड़ा पिन से सिक्योर कर ले ताकि रबर निकले ना जब आप उनका हेयर को एक्सेसरीज, मतलब हेयर को जब भी आप डिज़ाइन करने जाओ तो इस तरीके से आप कर लो। फिर उसके बाद जो भी हेयर बचते हैं उनको आप तीन पार्ट जो बोलते हैं ना, चोटी कर ले, चोटी कर ले उनको, थोड़े थोड़े हेयर्स लेके चोटी कीजिए, सारे हेयर्स को मिला दीजिए उसमें, और दो पार्ट में करना है आपको चोटी, क्योंकि दोनों साइड से हेयर लेंगे तो आधे हेयर्स आपको छोड़ देने हैं, और उसके बाद आप दूसरे साइड में भी कर ले पूरा करने के बाद। सो या देखिए दूसरे साइड में भी हो गया। तो अब हम ले रहे हैं हेयर्स को, थोड़ा सा ढीला कर ले रही हूँ, और देखिए इस तरीके से मैंने राउंड कर दिया और जूड़ा पिन से सिक्योर करूँगी। और आपको जूड़ा पिन से ध्यान रखना है, अच्छे से सिक्योर करना है, बिल्कुल खुले ना इस तरीके से। तो मैंने दोनों को सिक्योर कर दिया। अब बारी है फ्रंट साइड की, तो पहले मांग टीका अप्लाई कर लेती हूँ। तो आपने मांग टीका अप्लाई कर ले पहले। अगर आपको मांग टीका लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप ना उसमें धागा बांध के क्लिप से अच्छे से सिक्योर कर सकते हो, तो उससे हो जाएगा बहुत अच्छे से, मांग टीका कहीं नहीं जाने वाला इधर उधर। उसके बाद मैंने फ्रंट साइड का किया, थोड़ा सा मैं हेयर सेटिंग स्प्रे डाल रही हूँ और इसको वॉल्यूम दे रही हूँ, और धीरे धीरे मैं इसको राउंड कर रही हूँ। और ये देखिए ये वाला हेयर बहुत अच्छे से सेट हो गया। और आपको ना इसको पफ के तरीके से बनाना है, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम देना है इसमें। तो ये दोनों हेयर्स हो गए। अब जो हेयर्स के पार्ट बचे हैं उनको हम जूड़ा में ले जाके सिक्योर कर देंगे राउंड करके, और पिन से अच्छे से सिक्योर कर देंगे। तो ये देखिए इसका ये लुक तो कंप्लीट। और अब हमने करना है कर्ली, तो मैं कर रही हूँ कर्ल इनके सिर्फ फ्रंट साइड के थोड़े से हेयर्स को, क्योंकि बंगाली ब्राइड में जब आप फ्रंट साइड के थोड़े से हेयर को कर्ल करते हैं ना तो वो काफ़ी अच्छा नजर आता है। हेयर लुक कंप्लीट हो गया। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और हमें सपोर्ट करना। ये मेरी सिस्टर है तो मैंने इनका मेकअप किया है। आज संडे था, संडे के दिन पर मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आज संडे था तो आज इनकी भी छुट्टी थी, मेरी भी छुट्टी थी इसीलिए, और एग्ज़ाम के वजह से मैं थोड़ा छुट्टी कर रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है इसीलिए भी। तो इसीलिए मैंने आज इनका मेकअप किया, मेकअप भी किया और हेयर स्टाइल वगैरह सब किया। तो ये हेयर स्टाइल वाला वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और मेरे मोटिव को पूरा करना 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम, क्योंकि अगर आप लोग मेरी हेल्प करोगे तो ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकती हूँ। अगर आप लोग हेल्प नहीं करोगे तो मैं कैसे लाऊंगी, आप ही बताओ। तो इसलिए प्लीज़ मेरी हेल्प करना और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। चलिए बाय बाय।